भाभी ने एक बात मुझसे कही, बोले कहा कही, तो वही जो कहा था वही सुना दिया। एक मास दो पाथ में दो एकादश होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी का। एक मास दो पाथ में दो एकादशी होए, हे भगवान नारायण मेरे घर में क्या नित्य एकादशी नहीं। भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, सजल हो गए, नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। सुदामा जी सोचने लगे कि मैंने ये क्या कह दिया, अरे मेरा कन्हैया अभी तक मुस्कुरा रहा था लेकिन मेरे दो वचनों को सुनकर के ये रोने लगा, इसके नेत्र सजल हो गए। भगवान ने नेत्र बंद करके मानो सुदामा जी को सब कुछ प्रदान कर दिया। नेत्र बंद करके भगवान ने कह दिया कि होनी थी सो हो गई, अब ऐसी ना हो, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। भगवान ने नेत्र बंद के कह दिया कि होनी थी सो हो गई, भाभी जी अब ऐसा कभी नहीं होगा, अब तुम्हारे घर में कभी एकादशी आएगी नहीं। होनी तैसी हो गई अब ऐसी ना होए, और भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी होए। हे भाभी आज से तेरे घर में कोई व्रत आएगा ही नहीं, द्वादशी का पारायण रोज कर आनंद। कन्हैया ने नेत्र खोले, सुदामा जी ने कहा भैया एक बात बता, तेरो विवाह